अरबी गर्मियों की एक आम सी सब्जी है जिसे बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि ये लेसदार बनती है और खाने में अच्छी नहीं लगती है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होमी लॉबी पर। और यदि आपके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरी फ्राइड अरबी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरे आपसे वादा है कि आप इस तरीके से अरबी बनाएंगे तो जो आपके घर में नहीं खाते अरबी वो भी दोबारा दोबारा बनवा कर खाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो अरबी, जिसे छील लिया है और अब हम इसे वॉश करके फ्राई करने के लिए तैयार करेंगे। इसे वॉश करने के लिए डालेंगे एक बाउल के अंदर। इसके साथ इसमें डालेंगे पानी और थोड़ा सा खाने वाला सफ़ेद नमक और इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब अरबियों को एक छलनी के अंदर निकाल लेंगे और इन्हें साफ़ पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। अब इन अरबियों को एक किचन टॉवल पर फैलाकर 10 से 15 मिनट के लिए सुखा लेंगे। अरबियों को हमने किचन टॉवल पर फैला दिया है और जब तक ये सूखती हैं हम अपनी दूसरी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा सब्जी के लिए हम लेंगे 4 से 5 बड़े प्याज, जिन्हें हम पील करके स्लाइस कर लेंगे, यानी कि लंबा लंबा काट लेंगे। प्याज को हमने स्लाइस कर लिया है और स्लाइस को हम लगभग थोड़ा मोटा काटेंगे, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा पतले स्लाइस काटेंगे तो वो पकाने पर श्रिंक हो जाएंगे और बिल्कुल धागों की तरह दिखाई देंगे। इसके अलावा हमने लिए हैं 4 से 5 हरी मिर्च, जो लंबी स्लिट्स में कटी हुई हैं। अरबी को 10 से 15 मिनट तक सुखाने के बाद इसे अच्छे से कपड़े से पोंछ लेंगे और फिर इसको लंबे लंबे वेजेस में काट लेंगे। इस तरह से सारी अरबी को लंबे लंबे वेजेस में कट कर लेंगे और इन वेजेस को भी हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। सारी अरबी को हमने वेजेस में कट कर लिया है और अब हम इन्हें करेंगे डीप फ्राई। अरबी को तलने के लिए हम तेल को मीडियम हीट पर गर्म करेंगे, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी तथा अच्छे से फ्राई नहीं होगी। तो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे अरबी के वेजेस। अरबी है वो फ्राई हो रही है और ये अच्छे से हो चुकी है या नहीं इसे चेक करने के लिए हम लेंगे एक टूथपिक और उसे एक पीस के अंदर इस तरह से डालकर देखेंगे। यदि ये इजीली इसमें चली जाती है तो इसका मतलब कि अरबी फ्राई हो चुकी है, परंतु अभी ये इसमें थोड़ा टाइम ले रही है तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। अरबी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है और देखिए हल्की गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पर इस फ्राइड अरबी को किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे और इसी तरह से सारी अरबी को फ्राई कर लेंगे। सारी अरबी को हमने फ्राई कर लिया है, अब बनाएंगे इसकी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसमें बहुत ज़्यादा घी या तेल ना डालें, क्योंकि अरबी हमने फ्राई की है तो उसमें भी काफ़ी ऑयल होता है। ऑयल को हमने गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे स्लाइस्ड ऑनियन और इन्हें हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। प्याज हैं वो हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्ची और इसे 2 मिनट तक और भून लेंगे।
प्याज को हमें मीडियम टू हाई हीट पर भूनना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीमी आंच पर भूनने से ये सोगी हो जाएंगे और सब्जी कुरकुरी नहीं बनेगी। प्याज और मिर्ची अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सफ़ेद नमक, जो सब्जी की क्वांटिटी के अनुसार डाल सकते हैं आप या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने इसमें 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट डाला है। इसके अलावा इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये सब्जी को कलर देता है अच्छा सा। इसके साथ ही डालेंगे 1/4 टीस्पून साधारण रेड चिल्ली पाउडर। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे, ताकि मसाले कच्चे ना रहें। मसाले हैं वो अच्छे से भुन चुके हैं। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे अरबी, जो कि हमने फ्राई करके रखी थी। इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अरबी को भी हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इस पर स्प्रिंकल करेंगे लगभग 1 टेबलस्पून पानी और इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार है। इस स्टेज पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। इसे सर्व करने के लिए डालेंगे सर्विंग बाउल के अंदर और गार्निश करेंगे कटे हुए हरे धनिए के साथ, और इसे गर्मा गर्म ही पहुंचा देंगे डाइनिंग टेबल पर। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और आपके खाने के स्वाद को निश्चित रूप से 2 गुना कर देगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।